हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और मैंने ना रात के टाइम से वीडियो शुरू किया है। और अभी देखिए, अनुष्का यहाँ पर छील रही है मटर। अनुष्का के पापा जी लाए थे सब्जी, तो वो सुबह भी लाए थे तब भी मटर लेकर के आए थे, और अभी शाम में सब्जी लेकर के आए हैं तब भी मटर लेकर के आए हैं। तो अनुष्का ने सुबह भी छील दी थी और अभी लेकर के आए, तो मैंने बोला बाबू अब भी छील दो, तो वो अब भी छील रही है यहाँ। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम यहाँ पर लग गए हैं अपने काम पर। अनुष्का की आज छुट्टी थी, अनुष्का घर पर ही है, तो यहाँ पर हम अपने काम पर लग गए हैं। और हम क्या काम कर रहे हैं वो भी हम आपको अभी बताते हैं। और ये देखिए सामान आया है, और सामान इतना सारा आया है, क्यों आया है, किस फंक्शन की हो रही है घर में तैयारी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आया है सामान, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ अंदर। अभी ये चीनी का कट्टा था, वो भी मैंने अंदर रख दिया है। आटे के कट्टे हैं, जो आटा आता है वो कट्टे हैं, और वो भी मैंने अंदर रख दिए हैं। तीन कट्टे ये अभी लेकर के आए हैं आटे के, और एक कट्टा ये कल परसों में भी लेकर के आए थे, तो वो भी खुला भी नहीं है, क्योंकि अभी ना आटा है उसमें बाल्टी में, तो इसीलिए मैंने खाली नहीं किया था। और मैं तब तक आटा खाली नहीं करती हूँ तब तक वो उसे अच्छे से ना पूरे आटे को ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, और उसको बाल्टी को अच्छे से झाड़ नहीं लेती हूँ, साफ़ नहीं कर लेती हूँ। वो ही रहता है कि ना पहले आटे में दूसरा आटा नहीं मिलाना चाहिए, जिससे कि डर रहता है ख़राब होने का। तो अभी यहाँ पर वो कट्टे मैंने लगा दिए हैं, और साइड में मैंने चीनी का कट्टा भी लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, और अब बारी आ गई है ये वाला सामान रखने की। तो अभी पहले मैं इस बाल्टी में रखूँगी, जैसे कि सर्फ़ है, साबुन है, सर्फ़ साबुन, और ये जैसे कि बर्तन धोना साबुन है, कपड़ा धोना साबुन है, ये सारी चीज़ें सर्फ़ साबुन वाली, ये सब मैं इस बाल्टी में रखूँगी, ये ईजी है ये सब चीज़। और शैम्पू वगैरह भी सोच रही हूँ रख दूँ, लेकिन इसमें नहीं आएंगे तो मैं देखूँगी बाद में। अभी क्या करती हूँ, पहले एक बार देख रही हूँ सेट करके कैसे करना है। थोड़ा डर रहता है, जैसे कि शैम्पू वगैरह हैं या ऐसी चीज़ों का डर रहता है कि वजन वाली चीज़ें अगर इनके ऊपर आ गई तो ये शीशी ना, इसकी बोतल शीशी जो भी आप बोलते हो, वो कहीं फट ना जाए और सामान फैल ना जाए, तो थोड़ा डर रहता है। तो अभी मैं देख रही थी कि किस सामान को कैसे सेट करना है। इन चीज़ों में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो वो ही सारी चीज़ें अभी मैं रख रही थी। लेकिन क्या हुआ बाद में कि मैंने ना पहले इसमें रख लिया, और फिर बाद में मुझे चीज़ें निकालनी भी पड़ी इससे, क्योंकि बाल्टी भर गई थी। और सारे सामान को अनुष्का यहाँ पर मुझे देख देख के दे रही है, जैसे कि मैंने अनुष्का से बोला, मैंने कहा बाबू ये जैसे कि सर्फ साबुन वाला जो भी है यहाँ से, मुझे वो वाला सामान दे दो। और क्योंकि अभी सामान यहाँ पर काफ़ी रखा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा था कोई सामान इसमें इस बाल्टी वाला नीचे ना रह जाए, तो अभी वो देख रही थी। लेकिन अनुष्का ना जो मैं बोल रही थी वो उस बात पे कम ध्यान दे रही थी, लेकिन अनुष्का भी आप देख सकते हो क्या कर रही है यहाँ पर। वो नमकीन, बिस्किट, इसके पापा जी चौकोस वगैरह लेके आए हैं, वो इसका कॉम्प्लेन है, ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं, तो ये वो ही चीज़ें देख रही थी, है ना। बच्चों को रहता है ये सब चीज़ें देखने का, तो मैं वहाँ पर अपना सामान सेट कर रही थी, वैसे कर रही थी ये दे देती थी बीच बीच में, लेकिन फिर रहता है कि मम्मा मैं इनको उस वाले डब्बे में लगा दूँ, मैं उनको उस वाले डब्बे में लगा दूँ। मैंने कहा ठीक है लगा लेना। और ये सरप वाले डब्बे जो अभी आप देख रहे हो, ये भी हमारे घर पे ना बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत ही सारे, क्योंकि
क्योंकि ना, और मैं इनको ना डब्बों की वजह से ही मैं इस सर्फ को मंगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे डब्बों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने बहुत सारे अब कर लिए हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जितने भी डब्बे हैं, एक भी डब्बा खाली नहीं है। जैसे ही अभी आया है ना सर्फ वाला डब्बा, वो भी भर जाएगा। पता नहीं, सामान इतना हो जाता है कि डब्बा खाली ही नहीं रहता है, तो वही सब है। लेकिन डब्बे बहुत अच्छे लगे थे। जब अनुष्का के पापा जी पहली बार ये सरप लेकर के आए थे ना, तो मुझे डब्बा बहुत पसंद आया, और उस दिन से मैं ये वाला ही सरप मंगा रही हूँ। वैसे दूसरा भी मंगा लेती हूँ, लेकिन ये वाला ही मंगाती हूँ। वो थोड़ा मंगाती हूँ, ये ज़्यादा मंगाती हूँ। तो भी यहाँ पर मैं, जैसे कि वो बाल्टी भर गई थी, तो इसमें रख रही हूँ मैं, जैसे कि शैम्पू है इसमें, कोलगेट हैं, और पता नहीं क्या ऐसे फेस वॉश हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक डब्बे में इसमें करके रख दी है। तो इस सामान को ना मैं इसी तरीक़ा से रख रही थी, क्योंकि ना फिर मुझे, मैं भूल भी जाती हूँ, चीज़ों को रख के भूल जाते हैं हम, हमें याद नहीं रहता है। तो मैं बड़े ध्यान से रख रही थी, देख भी रही थी, रखने के बाद फिर देख भी रही थी सब चीज़ों को, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो अभी हमने सामान को डब्बों में कर लिया है जैसे जैसे रखना था, और अभी आप देख सकते हो मैंने बोला था ना कि एक भी डब्बा खाली नहीं है, और जो डब्बा अभी आया है ना वो भी भर गया है, और अभी तो सामान रह भी गया है, जो कि अभी एक दो डब्बा और हो तो उनमें भी आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं, अभी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, और ना ये इधर की अलमारी जो उसका नीचे का पोर्शन है वो भी अच्छे से भर गया था। तो अभी यहाँ पर जो भी सामान आ जाएगा वो ठीक है, बाकी का मैं किचन में लेकर के जाऊँगी, किचन में भी रख लूँगी सामान को। और अनुष्का ने ना, मैंने अनुष्का से बोल रही थी, मैंने कहा बाबू याद रखना कि मैंने कौन सा सामान किधर रखा है। तो ना अभी डब्बों में इनमें वजन भी ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ये देख रही थी कि जिनमें ज़्यादा वजन है ना उनको तो मैं नीचे रखूँगी, और जिनमें कम वजन है, हल्के हैं, उनको मैं डब्बों के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि ज़्यादा वजन की चीज़ें हम ऊपर नहीं रख सकते हैं। ये चाय की पत्ती का डब्बा है, और ये चाय की पत्ती के डब्बे भी ना बहुत सारे हो गए हैं, पर वही है कि इनमें भी दाल वगैरह भरते हैं ना, तो अच्छा रहता है। और ये भी चाय की पत्ती भी ना मैं डब्बे वाली, इसीलिए, वैसे तो 1 किलो वाली वैसी भी आती है, पोलोथीन में भी आती है, पर मैं डब्बों की वजह से ये डब्बा ही मंगवाती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, सामान भी आ जाता है, डब्बे भी आ जाते हैं, और घर में काम भी आ जाते हैं, और बहुत ज़रूरत भी पड़ती है। और अभी ये मैंने चीनी इसमें है, अभी इस डब्बे में चीनी जो भी रखी है, और इसका ढक्कन बड़े अच्छे से लग जाता है, तो चींटी वगैरह भी नहीं जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छे डब्बे हैं। अभी इनको भी मैंने बंद करके ऊपर रख दिया, बस अभी यही देख रहे थे कि ऊपर रख दें एक दो डब्बे, या फिर इसी में रख दें, कहाँ पर रखें। बस यहाँ पर आपस में हम वही बातें कर रहे थे, ऊपर की साइड भी देखा हमने, तो ऊपर भी सामान रखा हुआ है, फिर हमने बंद कर दिया, फिर हमने ना यहीं पर सेट कर दिए थे अच्छे से। और एक डब्बा रह गया था, तो उसे मैं बाहर की साइड ले गई थी किचन में।
और अभी यहाँ पर जो भी सामान मुझे किचन में लेकर के आना है, जैसे कि कुछ दालें ख़त्म हो रही हैं वो डब्बों में करनी है, और जो भी सामान वहाँ पर बच गया था उसको बाहर की साइड में लेकर के आ रही थी किचन में। वहाँ मैंने रूम वाला काम कर दिया है ख़त्म, जो भी मुझे रूम में रखना था वो सब रख गया है। अब छोटे छोटे सामान रह गए हैं उनको मैं किचन में लेकर के आ रही हूँ, और सब सामान को ना पहले किचन में रख लूँगी एक साथ, उसके बाद फिर ना मैं लगाऊँगी। ऐसे ना बार बार जाऊँगी बीच में तो वो सही नहीं है, इसीलिए फिर मैंने इकट्ठा ही कर लिया था सामान को, डब्बे वगैरह जो भी लाने थे वो लेकर के आ गई हूँ, और अब यहाँ पर बैठ करके आराम से कर लूँगी। और अभी तो ना पहले किचन को, जैसे कि अभी सामान रखूँगी मैं किचन में, तो पहले इसको भी साफ़ करना होगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो पहले ना सोचते हैं कि इसको अच्छे से साफ़ कर लें उसके बाद ही फिर रखें। और अभी यहाँ पर जैसे नमक मंगवाया था ना, तो नमक की एक थैली फट गई थी तो उससे नमक गिर रहा था, तो मैं ये चेक कर रही थी कि कौन सी वाली थैली है जिससे नमक गिर रहा है, तो पहले ना उसी को निकाल लेंगे, और जो ठीक है पोलोथीन उनको ना उसको रख देंगे नमक को, तो पहले उसी को यूज करेंगे जो थैली फट गई है हमारी। तो एक थैली मुझे मिल गई थी जो फट रही थी, और अभी ना मेरे हाथ से दूसरी थैली भी गिर जाती और वो भी फट जाती, बस मैंने ना बचा ही लिया उसको। तो अभी ये चारों थैली मैं लेकर के आई हूँ, और वो एक थैली जो है उसको फिर मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि भूल से फिर उसी में ना रख जाए, फिर क्या है कि डब्बे में बार बार वो नमक गिरता रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। और मैंने ना इसको एक छोटी पोलोथीन में बंद कर लिया है, जो कि अभी हो सकता है, क्योंकि मैंने डब्बे में अभी नमक किया था तो अभी हो सकता है नमक वाले डब्बे में नमक ना आए, तो इसीलिए अभी आ गए हैं हम किचन में, और किचन के भी सामान को पहले बाहर निकालेंगे, फिर ना उसके बाद साफ़ करके फिर इसको अंदर रखेंगे, क्योंकि हो ही जाता है कचरा वगैरह, हो ही जाता है चाहे आप कितनी खिड़की वगैरह लगवा लो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। तो अभी मैंने यहाँ से सामान निकालना शुरू कर दिया, ये कढ़ाई है जो रखी हुई है, तो अभी मैं ये देख रही थी कि ना सामान इतना फैल गया है किचन में कि इनको ना निकालने तक की जगह नहीं रही है, पता नहीं कहाँ से इतना सामान इकट्ठा हो जाता है। वैसे तो अच्छे से सेट करके रखते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर फैलाने लगे ना तो सारे घर में भी सामान नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर यही सब मैं देख रही थी, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इन कामों के लिए, और वैसे तो ना ये काम दिखते नहीं है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी बहुत ही ज़्यादा, इस काम में बहुत टाइम लग गया था मुझे, कम से कम अच्छे से सेट करने में 2 2.5 3 घंटे लग गए थे, जब जाके मेरा सामान अच्छे से सेट हुआ था, साफ़ सफाई करके सब चीज़ों को देखना ध्यान से रखना, बहुत टाइम चला गया था, और मैं थक भी इतनी ज़्यादा गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। पर ये था कि मैंने खाने वगैरह की तैयारी कर ली थी और घर में झाड़ू पोछा वगैरह हो गए थे, बस किचन ही छोड़ी थी, किचन को मैंने बाद में किया था, जब मैंने यहाँ पर सामान रखा था ना ला करके, उसके बाद पहले यहाँ पर सामान रख दिया किचन में, और फिर मैंने ना पोछा वगैरह और झाड़ू लगा लिए थे, और फिर मैं दोबारा से यहाँ पर किचन सेट करने लगी थी, और बीच में मैंने खाने की भी तैयारी कर दी थी, तो उससे क्या है सही रहता है। अभी मैं ये सब काम करके हटूंगी, फिर ना मुझसे हिम्मत नहीं होती कि मैं ये काम भी कर लूँ, झाड़ू पोछा लगा लूँ, तो इसीलिए मैंने ना पहले ये सब काम कर लिए थे। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी अंदर की साइड, और इसे पहले फिर कपड़े से क्या करूँगी, इसे अच्छे से पोंछ लूँगी गीला कपड़ा करके, फिर ये साफ़ हो जाएगा। तो वही सब काम चल रहे थे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर छोटी छोटी पोलोथीन थी जिनमें ना थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ था, तो मैं वो भी देख रही थी कोई चीज़ सुखानी है, क्योंकि अभी ना थोड़ी धूप निकली हुई है और इसके बाद तो धूप बंद होने ही वाली है, बहुत कम धूप निकलेगी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अगर कोई सुखाने वाली चीज़ है
तो मैं उसको ना देख करके सुखा भी दूंगी। तो वो ही सब देख रही थी, और थोड़ा थोड़ा सामान जो भी था ना वो मैंने एक डब्बे में कर दिया है, जो बचा हुआ थोड़ा थोड़ा होता है, और जो अभी आया है ज़्यादा वाला वो मैं एक साइड में रख दूंगी, क्योंकि ना पहले इसी को यूज करेंगे जो बचा हुआ है। अगर इसे पीछे के लिए छोड़ देंगे तो फिर वही बात है, इनको भी खराब होने का डर होता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है डब्बा, और इसमें मैं कर दूंगी दाल, जो मैंने दाल मंगाई थी मसूर की। तो मसूर की दाल अभी घर पर है नहीं, ख़त्म हो गई है। सावत वाली तो है लेकिन ये वाली नहीं है, तो मैं फिर ना मैंने डब्बे में भी इसको भी कर दूंगी। साथ के साथ ये सब काम में भी निपटा रही थी मैं, ऐसा नहीं है कि इनको बाद में करूँगी। जो मुझे किसी में भी कोई सामान करना है वो सब चीज़ें भी मैं साथ के साथ करती चल रही हूँ। और ना दाल ना ये मेरे से थोड़ी सी गिर भी गई थी, तो मैंने सोचा कि इनको इसको ना पहले बीन लेती हूँ, फिर क्या है कि जैसे ही मैं इस डब्बे में कर दूंगी और जरा सा भी वो लगा झटका तो ये सारी दाल नीचे गिर जाएगी। इसीलिए फिर मैंने साथ के साथ उसको, और इसके मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं ना, तो वो हाथ भी बड़ी मुश्किल आते हैं इस वाली दाल के। तो ये सब काम हो गया है, और अभी मैं आ गई हूँ इधर। इधर चल रही है खाने की तैयारी, और खाने में बन रहे हैं आज आलू बथुआ के पराठे। आलू बथुआ के पराठे बन रहे हैं, और साथ में फिर मैंने क्या किया कि वो सेमी होती है ना, वो मैंने बना ली थी, वो बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि पराठे ऐसे तो नहीं खाए जाते, कुछ ना कुछ साथ में। वो दही खाने का किसी का भी वो नहीं था सर्दी वगैरह में, और फिर चाय का भी मन नहीं था, चाय सुबह 2 बार हो गई थी। तो फिर सोचा कि मैंने सोचा कि चलो फिर मैं सेमी बना देती हूँ, सेमी ही सही रहेंगी। तो फिर मैंने सेमी और पराठे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, लेकिन ठंडे हो गए थे, क्योंकि जब तक मैं नहा करके आई तो फिर इतने ठंडे हो गए थे, और मुझे ना ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने अनुष्का के पापा जी की थाली लगा दी है, थाली लगकर हो गई है तैयार। अचार वगैरह कुछ लेंगे तो वो बाद में ले लेंगे, क्योंकि बोल रहे थे कि पहले ऐसे ही दे दो, मैं देख करके बताऊंगा कि मुझे क्या लेना है। मैंने कहा ठीक है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और बताइए कैसा बना है। और ना मैंने क्या सोचा कि मैं ना जल्दी से नहा करके आ जाऊंगी और फिर मैं खा लूंगी। मैंने बहुत जल्दी की, लेकिन फिर भी पराठे ठंडे हो गए थे, और मैं ना ठंडा खाना बिल्कुल भी मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, ऐसी आदत हो गई है बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इतना सामान क्यों आया है। ये इतना सामान जो है वो घर का ही है, क्योंकि ना घर का सामान भी काफ़ी सारा हो जाता है, और अब की बार आया भी नहीं था, अब की बार लेट भी हो गया है, वरना तो दीपावली पे ही आ जाता था, लेकिन अभी नहीं आया, तो फिर हमने अब मंगा लिया था। और घर के छोटे बड़े इतने सामान हो जाते हैं कि ना ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पर कोई फंक्शन है, जिसकी वजह से इतना सामान आया है। नहीं, कोई फंक्शन नहीं है, ये घर का ही सामान है, घर के सामान बहुत सारे हो ही जाते हैं। तो चलिए और देखिए पराठा कितना फूला बनकर तैयार हुआ है, फूला फूला पराठा बनकर तैयार हुआ है। फिर बोलती हूँ आपसे एक बार, आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और बताइए कैसा बना है। तो चलिए इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।